नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज 15 अगस्त है और आज के इस शुभ अवसर पर मेरे देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और जो जो लोग हमारे देश के लिए अपने प्राण गंवाया है उन फ्रीडम फाइटर को नमन करते हुए आज मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है कर्म क्या है, व्हाट इज कर्मा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों हम सभी प्राणी जगत कर्म के बंधन से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, कुछ पाने के लिए लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। दोस्तों ये काम हम सभी करते रहते हैं। एक कुत्ता बिल्ली से लेकर एक मनुष्य सभी घुमा फिरा के यही काम करते रहते हैं। ये आसान काम हमसे छोटा एक प्राणी जिसे हम देख भी नहीं सक पाते हैं वो भी ये काम करता है। दोस्तों तो फिर अब ये प्रश्न है कि हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला और एक सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग क्यों मिला। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा परमात्मा के द्वारा दिया गया किताब को पढ़ना पड़ेगा। वो किताब दोस्तों गीता भी हो सकता है, बाइबल हो सकता है, कुरान हो सकता है और त्रिपिटक भी हो सकता है। सब किताब की यही परिभाषा है कि ये मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार है। किसी ने इसे मुक्ति कहा है, किसी ने मोक्ष कहा है और किसी ने इसे निर्वाण कहा है। जो भी हो ये एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। दोस्तों ये मुक्ति वो है जो हमें जन्म और मृत्यु की बंधन अर्थात सारा दुखों से मुक्ति दिलाने की बात कहा गया है। हमको मनुष्य जीवन मिला तो हम बहुत ही सौभाग्यवान हैं और हमें इस शरीर को सही इस्तेमाल अगर कर सके तो हमको मुक्ति आसानी से अर्थात निर्वाण का साक्षात्कार आसानी से हो सकता है। ये दोस्तों हमारी इच्छा के अनुसार ही हो सकता है। प्यासा पानी के पास आ ही जाता है और ज़िंदगी में अगर ये प्यास अभी नहीं आई तो ये बात समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन सुनते सुनते भी कभी आपको ये प्यास आया तो बड़ा कल्याण हो जाएगा और सुनते सुनते भी ये प्यास आता ही है। दोस्तों आप किसी भी उम्र का हो, चाहे आप बुढ़ापा में हो, आप जवानी में हो और आप एक बच्चा हो, ये आ जाने से ही कल्याण हो जाता है। ये आपके लिए भी मंगलदायक होगा और हमारे समाज के लिए भी। मुक्ति का प्यास दोस्तों अपने आप को जानने के लिए मजबूर कर देता है और अपने आप को जानना, अपने शरीर को जानना दुनिया के सबसे अच्छा कर्म कहा जाता है। दोस्तों अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमको जाने अर्थात अपने आप को जाने तो कैसे जान सकते हैं और कहाँ जाना पड़ेगा हमें इसके लिए। शुरू शुरू में दोस्तों आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जा सकते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, अपने आप को अपने आप से खोने के लिए। और अपने आप को परमात्मा में खोने से ही कृपा मिल जाता है और कृपा दोस्तों हर जगह मौजूद होता है। बाद में आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। आप जो भी करेंगे वो परमात्मा से जुड़ जाएगा और मानव कल्याण में बरस पड़ेगा।
क्योंकि आप जहाँ पर होंगे परमात्मा के साथ ही होंगे। आपका आप जहाँ पर देखेंगे सारे तरफ ही आपको परमात्मा ही परमात्मा नज़र आएगा। और एक दिव्य सुख से मन हर वक्त भरा रहेगा और अपने ज़िंदगी से तृष्णा दूर हो जाएगा। मन हर वक्त सब कुछ मतलब एक्सेप्टेशन से भर जाएगा, सब में मैं ही मैं नज़र आएगा, अर्थात मन करुणा से भर जाएगा। और एक करुणा भरा मन दोस्तों किसी को हानि नहीं पहुंचाता। सोचिए दोस्तों, हमारे समाज में सभी का मन अगर ऐसा हो जाए तो हम सभी परमात्मा के अनुशासन में जी सकते हैं, जिधर दुख की कोई नामो निशान नहीं रहेगा, जिधर देखेंगे सिर्फ आनंद ही आनंद नज़र आएगा। दोस्तों, एक दुखी व्यक्ति ही किसी को दुख पहुंचा सकता है, एक सुखी व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता। सुखी होने के लिए हमें अपने अंदर में झांकना पड़ेगा, अंतर्मुखी यात्रा करने से ही ऐसा मार्ग हमें मिल सकता है। दोस्तों, हमें जो भी कर्म करना है कर्म से मुक्त होकर करना है, कर्म के बंधन से मुक्त होकर करना है, ताकि हम अपने अंदर की ओर झांक सकें और अपने अंदर की ओर झांक के अपने आप को डिस्कवर करना ही सबसे अच्छा कर्म होता है। और ये चिरंतन शाश्वत सत्य है। दोस्तों, हमें सच्चाई को अपने अंदर देखना है। सच्चाई को हम अगर अपने अंदर ढूंढेंगे तो एक दिन हमको अपने अंदर ही परम सत्य दर्शन हो जाएगा। सच्चाई के रास्ते पर अपने आप को ढूंढना ही कर्म होता है, बाकी सब जो है सब माया है। और माया के बंधन से मुक्त होकर जो काम हम करेंगे वही असली कर्म होता है। जैसे हमको कर्म करना है लेकिन फल जो भी आए उसको लेकर हमको सोचना नहीं है, फल की आशा छोड़ के कर्म करना ही असली कर्म होता है। दोस्तों, मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।